देवघर दुमका मुख्य मार्ग स्थित पोखा गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंद कमरे में दीवार काटकर आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। आग लगने से घर में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घर के मालिक घर में नहीं थे। दूसरे दिन सुबह आग लगने की जानकारी मिलने पर घर के मालिक पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना की जानकारी होते ही अग्निशामक की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने में सफल रहे। 2 घंटे की अथक प्रयास के बाद आग पर पाया गया काबू। वहीं घटना की जानकारी होते ही स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि भवेंद्र मंडल घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार का प्रतिशोध एवं बदला लोगों को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे व्यक्तियों के खिलाफ घटना की जानकारी कर कार्यवाही होनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर के पीछे से सेंधमारी कर घर के अंदर रखे सारे सामानों को जला दिया गया। घटना के बारे में काला यहाँ पहुँच उन्हें दवा तोड़ी और आग लगा भाग दी। 3 आदमी हम भागते रख लिए और बाद बाकी की कचे हमें खड़ा चले। कखनी आग लगल? 6 बजे भोर। तोर नाम की होल? नाम हमर भक्तु। तोर घर छिक? हमर घर छिके ने। घर में रहे ना चला? ना घर हम रहने तब ये क्या लगा पार चले रहे चलिए वहाँ एक रहा आप कुछ साफ सुथरा करते लिए तब रहते लिए कि कतना जलला प्रधानमंत्री आवाज की कतना नुकसान हलो आग लगला? आग लगला हम की कचे देखिए ला नहीं आखिर में एकदम कतन करते मुखिया जी कुछ ना। नाम की होला तेरा? नाम अमर भक्त जी। तो हम लोग वहाँ पर देवघर में थे तो यहाँ से खबर किया गया कि मोहनपुर थाना अंतर्गत क्या नाम है पत्थर पोखा गाँव में आग लगी है। सूचना मिलने के बाद हम लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर वहाँ से बड़ी रवाना हो चुकी है और घटनास्थल पहुँचे तो देखे कि आग लगी हुई है और अभी आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आपका नाम? विमान चंद्र माझी, प्रधान अग्निचालक विमान चंद्र माझी। मेरे साथ में है अग्निचालक दीपक कुमार सर। पंचायत से हम घर अपने भवेंद्र मंडल हम सोए हुए थे यहाँ से फ़ोन किया नीलमणि जी ने हमको बोला मुखिया जी घर में आग लग गया है। हम आए हम खुद देखे हमारे सामने में हमारे अग्निशमन भाई भी आए आग बुता रहे हैं। जिस घर में काफ़ी पुआल था तला पड़ा हुआ था बाहर से दीवार तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दिया जो ये बहुत दुर्भाग्य ये घटना है दुखद घटना है। एक गरीब परिवार है जो प्रधानमंत्री आवास इसको मिला था जिसके साथ ये घटना घटा ये बहुत दुखद घटना है।